अम्मा साबरा इनकी सही तरीके ट्यून अगर दोबारा ते आड़ फंस के ना चले। जी इस वक्त हम मौजूद हैं कमीर शहर में, यहाँ पे यूट्यूब के रचनावी टीवी के मरूफ अदाकार और मरूफ किरदार रमजी सियाना, हम उनके आबाई घर के पास बैठे हैं और हम उनसे मुलाकात स्पेशली करने के लिए आए हैं। और हम नाजरीन, हम आपको उनका तारफ करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने कहाँ से ये काम शुरू किया, कब किया और कैसे किया, और उनके ख्यालात क्या हैं और वो क्या करना चाहते हैं। जनाब सबसे पहले आप अपना असल नाम बताएं कि आपका असल नाम क्या है। मेरा असल नाम बिसावल है जी। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? एफए की है। और आप शुरू दिन से ही कश्मीर के रहने वाले हैं या? शुरू दिन से पैदा ही मेरी पैदाइश है जी। इससे पहले आप क्या काम करते रहे? इससे पहले मैं पहले स्टेट ड्रामा में स्कूल से निकला जी, कॉलेज से सीधा स्टेट ड्रामा में जी जी, उधर से सीखा, फिर काम छोड़ दिया क्योंकि मेरे साथ में कोई मसला बन गया था, जरूरी प्रॉब्लम है जी। फिर 10 साल मैंने काम बंद जी, फिर उसके बाद फिर मैंने ये फिर स्टार लिया यूट्यूब जी, और इस नीयत से लिया कि बेहयाई का दौर चल रहा है और यानी का दौर चल रहा है, ऐसा काम किया जाए, ऐसा काम किया जाए एक बाप अपनी बेटी के साथ बैठ कर देखे, मैं अपनी बनाई हुई वीडियो अपनी बहनों के साथ बैठ कर जी जी, यही एक जो थीम था सोच यही हमारी। तो उसमें आप जो स्टोरी बनाते हैं वो स्टोरी आपको कौन लेके देता है? हमारा डायरेक्टर है महबूब मलिक साहब जी, नाभी टीवी के जो डायरेक्टर हैं महबूब मलिक, वो राइटर भी हैं जी, डायरेक्टर जी जी। तो आपको जहाँ पे जहाँ आप स्टोरी को फरमाया जाता है तो आपको मुश्किलात पेश आती हैं या इजीली काम भी हो जाता है, ये क्या सोच क्या है उसमें? मुश्किलात है जी, मसलन किस तरह हो, गर्मी हो तो गर्मी की मुश्किलात है, स्टूडियो तो है जी जी, तो फिर उसके बाद लोकेशन की भी प्रॉब्लम होती है, जिस जहाँ पर हम शूट करने जाते हैं वहाँ पर भी चेंज करना होता है जी, तो वहाँ पर लोग जमा हो जाते हैं वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। फिर उसके बाद और प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ज़्यादातर ना लोकेशन मिलती नहीं जी, अवेलेबल नहीं जी जी, क्योंकि जहाँ भी चले जाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक आ जाती है, तो ये काम जो है वो ज़्यादा पब्लिक और रोड नहीं हो सकता जी। तो एक दो जगह मिली हुई है उन पर काम कर रहे हैं। तो उसमें मुस्तकबिल में आपका क्या ख्याल है, आप जो है वो क्या करना चाहते हैं? मुस्तकबिल में फिलहाल यही काम कर रहे हैं, तो कल की तो मैं नहीं कह सकता, कल किया नहीं, मेरा मतलब ये कहने का कैसे काम का मजीद अपग्रेड कैसे करना चाहते हैं आप? मेरे वक्त के साथ साथ ही है, चलते जा रहे हैं, स्टूडियो बनाते जा रहे हैं, ये हमारा चैनल है, इस चैनल को अल्लाह पाक तरक्की दे और चाहने वाले हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम देखिए, क्योंकि आगे अगर कोई मौका मिलता है, बड़े लोग जो हैं बड़े प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं वो हमें मौका देंगे, अगर हमें इस काबिल समझेगा तो हमें बुलाए तो हम तो यार। जो आपके चूँकि ड्रामे बड़े दिलचस्प हैं और आपने कभी किसी से रब्ता किया किसी बड़ी स्क्रीन में भी आप काम करें या किसी डायरेक्टर से या इस हवाले से ही आपने कभी कोई रब्ता किया या आपसे किसी ने रब्ता किया? ऐ मुसाफिर क्यों तलाश करता है अपनी मंजिल को, मारा मारा इतना अजीम है या अपनी मंजिल खुद तो क्या बात है। मैं इस चीज़ पर यकीन रखता हूँ कि मैं अपने काम को इस तरह बेहतर करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर रहा हूँ कि मुझे ना किसी को कॉल करनी पड़े कि मुझे काम चाहिए, जिसको ज़रूरत हो बड़े प्लेटफार्म वाला वो मेरा काम देखे, अगर उसको काम अच्छा लगता है मेरा, उसको अगर वो मज़ीद कहता है कि मैं इस पर मेहनत करूँगा और इस पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो वेलकम, हमारी तरफ से तो हाँ ही, हम तो इसी इंतज़ार में हैं कि बड़ा प्लेटफार्म मिले काम मिलते हुए, लेकिन अगर नहीं तो ये तो मेरा घर का चैनल है तो अपना रोजी रोटी। आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आवाम जाग जाओ, होश कर जाओ, सच का साथ दो हमेशा, सच का साथ दो हमेशा, सच बोलो हमेशा, और यही मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। जब से हम लोग मुसलमान सच छोड़ गए हैं, इंसाफ छोड़ गए हैं, हम दबाव बता दें। ये हमारे साथ सामल रमजी सियाना साहब, इनका जो निक नेम है, तो उन्होंने बहुत प्यारा शेर पढ़ा कि क्यों मंजिल की जस्तजू में फिरता है रे नदां, इतना अजीम हो जा कि मंजिल तुझे पुकारे। और इन्होंने ये छोटे से शहर में अपना रचनावी टीवी चैनल यूट्यूब पे शुरू करके
और उसको इतना फेमस किया कि आज हर घर में यूट्यूब पे रचनावी टीवी देखा जाता है, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर औरत, हर जवान इनके फैन हैं, इनको लाइक करते हैं। तो मेरी सारे दोस्तों से गुजारिश है कि जिस तरह इनका थीम है, इनका माइंड है, इसी तरह सबका थीम होना चाहिए। क्यों कि जब हम अपनी मंजिल के लिए बुलंद खुद हो जाएंगे, खुद मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो मंजिल ज़रूर तुम्हारे कदमों में आके गिरेगी। और इंशाल्लाह ऐसे लोग हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो मैं अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त करता हूँ कि इनका जो टैलेंट है वो बहुत अच्छा टैलेंट है और हमारे पास मौजूद है, और इनको एक मौका देना चाहिए।